माँ बाप का ध्यान न रखने पर अब आपसे आपकी संपत्ति भी छीनी जा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर आप संपत्ति खाली नहीं करेंगे तो आप पर पुलिस कार्रवाई तक कर सकती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज कई संतानें ऐसी भी हो गई हैं जो अपने माता पिता का सम्मान तो नहीं करती, उल्टा उन्हें परेशान और उनके साथ मारपीट भी करती है। अब योगी सरकार ने ऐसी ही संतानों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स 2014 में कुछ अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रपोजल भी तैयार कर लिया गया है। इसके बाद अगर कोई संतान अपने माता पिता को परेशान करता है तो उन्हें माता पिता की संपत्ति से 30 दिन के भीतर बेदखल कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि संपत्ति खाली करवाने में पुलिस भी मदद करेगी। प्रपोजल के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी संतानों को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए प्रशासन के बनाए ट्रिब्यूनल से आवेदन करेंगे। अगर वो आवेदन नहीं कर पाते हैं तो वो किसी संस्था से भी आवेदन करवा सकते हैं। इसके बाद ट्रिब्यूनल उनकी संतानों को बेदखली का आदेश जारी करेगा। आदेश मिलने के 30 दिन के अंदर उन्हें उस संपत्ति को खाली करना होगा। अगर वो इस आदेश को नहीं मानते हैं तो फिर इस काम में पुलिस की मदद ली जाएगी। तो भाई, अगर आप भी यूपी से हो और अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हो तो भूल जाओ कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है। फिर आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार का ये स्टेप सही है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और ऐसी वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग द वोकल न्यूज़।